नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो लाडलो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं काफी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए मेरे लाडलो, आज हम इस जर्नी को और आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि टॉपिक आपको पता था कि हमारा वाटर और मिरर इमेज चल रहा था, जिस पर बेसिक हमने आपको बताया, प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के साथ हम चले। आज फिर से हम इसका प्रैक्टिस सेशन लेकर चलते हैं। स्पीड पर बात होनी चाहिए आज, है ना। सब कुछ हमने सिखा दिया आपको, आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ स्पीड की। तो सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करता हूं। बेटा जी कुमार झा, राधे राधे लाडले, चौधरी आरजे 18, लक्ष्मी वीर की लाडली, राम राम लाडो रानी। पहले आपकी क्लास रोज लेती थी सर, जब आप दोपहर में क्लास लेते थे तब। लाडो शाम को भी आया करो बेटा, पढ़ाई का कोई समय नहीं होता बच्चा पार्टी। सोना मौर्या नमस्कार भाई, नमस्कार, कैसे हैं आप? सुनील बांगड़, दीपक कैसे हो बेटा, पूजा सामरिया, सभी को नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। एक बार कॉपी पेन लेकर तो मत बैठना आज, तो आज तुम्हें फ्री हो, तुम आज कॉपी पेन लेकर मत बैठिएगा, क्योंकि यहाँ आंखों के तीर चलने वाले हैं और आंखों से आंसर हम बताने वाले हैं। बेटा सभी को नमस्कार है, राधे राधे, जय भीम भैया, शुक्रिया, और भैया अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और जल्दी से बता दो बेटा यहाँ पर अब अगले जो सवाल हैं वो क्या आएंगे। तो लास्ट टाइम पर जो अपना क्वेश्चन था वो आप लोगों को याद है, हमने वाटर इमेज तक आप लोगों को स्टार्ट कर दिया था। और जैसे ही वाटर इमेज तक हमने स्टार्ट किया था, आप मेरे प्यारे भाइयों तीतरी हो चुके थे। अंतिम सवाल ये था आपके पास, ठीक है, याद आया आपको? अंतिम सवाल जो था वो ये वाला था, क्लियर मेरे लाड दो, ठीक है। अंतिम सवाल ये था जब मैंने बताया था कि बेटा बताओ इसका वाटर इमेज क्या होगा। अब आपके पास सवाल ये है बेटा, तीतरी कर दीजिएगा, हाबू बना दो बेटा, बाबू बना दो। और यहां पर भी आपको इसका जल प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, और मैंने आपसे कहा था बेटा कि बायां भाग बायां ही रहेगा, दायां भाग दायां ही रहेगा। और मेरे प्यारे लाडलो, ये मेरे प्यारे बाबुओं, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर। कल चुनावी भाग दौड़ की वजह से बेटा कल क्लास नहीं थी, लेकिन हाँ हम लोगों ने यह तय किया है, उत्कर्ष क्लासेस ने यह तय किया है सर कि भैया हम आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे। तो कल जो संडे की क्लासेज है वो एजटीज आपकी रहने वाली है, यूट्यूब पर एजटीज जो क्लासेज होती है वैसे की वैसे रहने वाली है। मतलब संडे इज नॉट अ फन डे, इट्स अ रेगुलर डे विथ योर स्टडीज, ओके माई डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आ जाइए फटाफट। तो मेरे प्यारे भाइयों यहां पर इसका कौन सा जो है जल प्रतिबिंब होगा, तो मैंने आपको कहा ना बेटा कि ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, नीचे वाला हिस्सा नीचे। तो आप लोग इसको यूं कर सकते हो, आप लोग इसको यूं कर सकते हो, आप लोग यूं कर सकते हो और यूं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, ठीक है। और ये एज इट इज यूं आ जाएगा, और ये तीर का निशान एज इट इज ऐसा कैसा आ जाएगा, और कहीं पर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो बेटा पहला वाला ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन आंसर होगा नहीं, तीसरा वाला आप देखिएगा कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आंसर हो सकता है डी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। किस किस का सही है सी? गुलशन बानो अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहना, कैसे हैं आप? जी कुमार झा कैसे हैं? सी आंसर आया है, चलिए सबका सबका सी आंसर आया भैया, जल्दी से तीतरी बना दीजिएगा और अगले सवाल को हाबू बना दे। ए बाबू कितना प्यारा सवाल है, देखो तो सही। अरे बाबू देखो तो सही, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर आएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा बेटा, शाबाश, फटाफट फटाफट। सोनम रजाक, राधे राधे बेटा, दीपक झा, लक्ष्मी, सभी का स्वागत अभिनंदन। जल्दी से अपना स्पीड बढ़ाइएगा बेटा, आंखों से कत्ल कर दीजिएगा, हम कह रहे हैं तुमसे। एग्जाम में यही टेंडेंसी चाहिए, इतना ही समय लगाना है, इन सवालों को ज्यादा भाव नहीं देने होते, ठीक है। आपके आशीर्वाद से मस्त हूं गुरुजी, बेटा मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, राफेल बना दूंगा तुमको, तुम टेंशन मत लो, तुम आओ तो सही, आ जाओ बाबू आ जाओ, शाबाश, मैं बहुत बढ़िया। देखो बेटा यहां पर जो आंसर आने वाला है आप लोगों का, अगर आप लोग कुछ कुछ होता है ऐसे करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो बायां भाग तो बायां आएगा, तो आप इसको क्या कर दोगे, एज इट इज यूं कर दोगे, तो बेटा ये लो हमने यूं कर दिया, ठीक है। ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल आप लोगों का ऊपर की तरफ है ऐसे, तो ये नीचे की तरफ आएगा यूं, ऐसे ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा। अब ये जो गोला है, गोला ये नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसा हिस्सा, और ये तीर का निशान बेटा ऐसे आ जाएगा। तो देखो कहां कहां पर आ रहा है, और ये ऊपर वाला तीर बेटा नीचे आ जाएगा ऐसे। तो भाई यहां पर इस गोले में काला हिस्सा नीचे है, ये ऊपर है, तो ये कट्टू हो जाएगा, ये ऊपर है, ये कट्टू हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखो
सिचुएशन क्या है। तो ये दोनों में ये लाइन तो इधर है, तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सही सुदृढ़ आंसर होगा बेटा, आंसर डी होगा। तीतरी बना देंगे बेटा, फटाफट जल्दी से आ जाओ। अन्नपूर्णा पान कैसी हो, शांति मोहन चौधरी जी कैसी हैं आप, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। कैलाशी देवी द सचिन गोड, डी ऑप्शन इतना गलत दे दिया तुम लोगों ने यार, डी है ना, देखो कहां है सी, कहां है बताओ, सी आपको दिख सकता है, लेकिन क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये एक कोई डायग्राम है, समझना मैं आपको बता देता हूं, आपकी थोड़ी सी गलतफहमी दूर कर देता हूं, ये जैसे डायग्राम है ऐसा, अब इसका अगर मैं जल प्रतिबिंब बनाऊंगा तो बेटा ये ऐसा बनेगा और ये नीचे वाला हिस्सा ये आ जाएगा ऐसे, तो ये यूं आएगा, समझ रहे हो। तो यहां पर सी जो है, सी ऑप्शन में नीचे है, लेकिन ये लाइन इधर है, ये लाइन इधर होना चाहिए था, लेफ्ट वाला हिस्सा लेफ्ट में, राइट वाला हिस्सा राइट में, ठीक है। आ जाओ, ये गजब का सवाल है भाई साहब, इसने आग लगा रखी, कतई जहर बना रखो मौसम को, जल्दी बताओ बेटा क्या हाल चाल है, आने दो। देखो बेटा ये आंसर तो होगा नहीं, इसको तो काट डालो, ये आंसर होगा नहीं, इसको काट डालो, अब तीनों में से कौन सा सही आंसर है। तो जब आप तीनों में से सही आंसर ढूंढोगे तो देखो बेटा इस ऑप्शन में इस जगह पर ये इसको काट रहा है, लेकिन यहां पर ओरिजिनल में नहीं काट रहा, तो आपका आंसर जाएगा सी की तरफ, तो ऑप्शन सी को फटफड़ा दो, ऑप्शन सी को फटफड़ा दो, बिल्कुल बेटा मेरा छोटा सा जुगाड़ रट लेना, खोपड़ी में बैठा दीजिएगा बाबू, पास की चीज पास, दूर की चीज दूर। इसके अलावा मैं आपको कह रहा हूं वाटर इमेज और आप लोगों का जो मिरर इमेज है उसमें कहीं नहीं देखना, दिमाग को वहीं पर सेट रखो बेटा, कुछ नहीं करना। तूफानी कुमार पंडित, गजब की ताकत है बेटा तुझमें, राजस्थानी डांस वाह कमाल की ताकत है, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आग लगा दो इस सवाल को, फड़फड़ा दो भाई साहब, आ जाओ जल्दी से, गलती के चांसेस बहुत हो सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि चांसेस ना बनाए और इसको एज इट इज बनाए। देखो ये ऐसा है, अब आपके पास ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये बगल वाला बगल में रह जाएगा, और ये थोड़ा सा ये बगल वाला बगल में रह जाएगा, और ये तीर का निशान ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ ये कैसा है, एज इट इज है कि नहीं है, ए बाबू बोलो ना, देखो रे देखो बाबू, ये तो आएगा नहीं, ये उधर होगा नहीं, ये भी इधर होगा नहीं, तो ऑप्शन ए को तीतरी बना दो, ले जाओ इसको काली घाटी के पीछे, बोलो हां ऑप्शन, अरे थारा गजब हो जाओ थारा, बिल्कुल लाडले सामने से मैं हट गया हूं, तुम्हारी निगाहों में मैं डट गया हूं, सी ऑप्शन कैसे आएगा यार, जल प्रतिबिंब है यार बेटा, मिरर इमेज है बाबू, ऑप्शन ए, ए बाबू ए, सी कैसे आएगा, ये डंडी इधर है तो ये इधर ही तो आएगी, सी में तो ये डंडी इधर है, इतना तो कॉमन सेंस लगा लो भैया, इतना तो कॉमन सेंस लगा लो, बिल्कुल आसान टॉपिक है, एग्जाम में मारे जाओगे, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये वो दर्पण प्रतिबिंब जिसे भुलाने का नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट, अच्छा सवाल है, करके बताएंगे सभी, चलिए साइड में हट चुका हूं, ऑप्शन क्या है, साइड में इससे ज्यादा कैसे रह पाएगा कोई इंसान यार, बताओ। अरे यार देखो ये इधर की तरफ आ जाएगा यूं, ऐसा कैसा, तो बेटा ये तो बनेगा नहीं है ना, नीचे वाला बनेगा नहीं, नीचे वाला बनेगा नहीं, तो सीधी सी बात है कैसा बनेगा बेटा, ये बनेगा बी बी
अरे यार देखो बताओ, अब देखो तुम यहां कंफ्यूज हो गए टोटल यार, ये यूं इधर की तरफ कैसे बनेगा एक बार बताओ। कमाल है यार बाबूज, कैसी बातें करते हो। ए ऑप्शन नहीं होगा क्या? आप देखो ना एज इट इज, देखो ना यूं, ए ऑप्शन नहीं होगा क्या? पास की चीज पास, दूर की चीज दूर। आराम से तसल्ली से देखो, ढंग से देखो, तुम लोग दर्पण में जल में कंफ्यूज हो रहे हो। ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर आएगा बाबू, हम बता रहे तुम्हें। ये यूं हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा, इस तरीके से, समझ रहे हो? जब ये इस तरीके से होगा तो आप बताओ ये जो फेस है, ये फेस इस तरीके से किस में आ रहा है, बस मुझे ये बता दो इस तरीके से किस में आ रहा है। ऊंचा इसके जैसे तो होगा नहीं, तो ये तो कट गया, इधर की तरफ आएगा नहीं तो ये भी कट गया, इधर की तरफ आएगा नहीं तो बेटा देखो डी ऑप्शन, आप देखो आराम से तसल्ली से ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे आप, आंसर आएगा आपका डी, जल प्रतिबिंब मतलब आपका वाटर इमेज, यहां पर डी ऑप्शन आ रहा है। आप आराम से देखो उसको, यहां ले जाओ उसका, बिल्कुल एजेटी जैसा कैसा दिखेगा, एजेटी जैसा कैसा दिखेगा बेटा करके देखो, सोच के देखो, आंख बंद करके देखो, वाटर इमेज इसका, जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, आंख बंद करके देखो, एजेटी जाएगा, एजेटी। तो गलतियां क्यों हो रही है ये बेटा, समझ में तो आएगा तूफानी ऐसे कैसे, आंखों का खेल है। अब यहां पर कोई फॉर्मूला तो है नहीं जो आपको बता दे। अब देखो कितना प्यारा सवाल है। सोचो अभी तो हमने स्टार्ट किया है बेटा, अभी तो अपने शुरू किया है सवाल को करना, यहां क्या आंसर होगा? मैं पहले हट जाता हूं साइड में, आपको आंसर बताना है। चलिए, अरे तो बाबू धीरे धीरे समझ में आएगा। नंदू कुमावा धन्यवाद बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। देखो ऑप्शन से करना सीखो, सी तो कट गया, सी तो आएगा नहीं है ना, और जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसको देखो ढंग से, जो ए ऑप्शन है वो होगा नहीं क्योंकि एजेटिज है। अब बी और सी में से देखो, समझना, जैसे यहां पर ये है इस तरीके से, ये आ गया, अब ये खाली है, ये ऊपर नीचे वाला भरा होगा, ये यू में तो लाइन यू होगी भरे भरे की, समझ रहे हो? तो नीचे वाला भरा होगा, ये खाली तो नीचे वाला भरा होगा, तो ये दोनों की लाइन यू यू है, देखो दोनों की लाइन यू यू है। अब ये लाइन ऐसी है तो ये लाइन यू ऐसे तिरछी होगी और ये लाइन सीधी, तो यू लाइन तिरछी किसमें है? डी ऑप्शन में, बी में नहीं है। देखो समझना, समझना बेटा आराम से समझना जो मैं बता रहा हूं ना, इसमें देखो लाइन यू है जबकि इसमें यू होनी चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि एज इट इज लाइन इसमें है ये रही ऐसे, तो एज इट इज ऐसी तो होगी नहीं, यू होगी, तो आपका ऑप्शन डी। तो छोटी छोटी सी लाइन, मुझे पता था तुम गड़बड़ करोगे, मुझे पता था तुम गड़बड़ करोगे, लेकिन डी ऑप्शन होगा बेटा। बी और डी में तुम कंफ्यूज हो। गुलशन बानो शाबाश बेटा। और इससे पहले बेटा कि मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो बच्चे वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही मजेदार और बहुत ही गजब की सूचना लेकर आया हूं। जो भी मेरे प्यारे लाडले प्यारे भाई बहन है, वादा किया पूरा आरएम प्रयागराज, जी हां दोस्तों, प्रयागराज में एसएससी व उत्तर प्रदेश की सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षक के हेतु आयोजित भव्य सेमिनार हमने रखा है, और उस सेमिनार के अंदर आपके अपने लाडले सर गौरव सर और अक्षय सर आपके सामने मुखातिब होंगे दोस्तों, 28 अप्रैल 2024 को सुबह 9 बजे। दोस्तों जगह का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, एलके टावर मनमोहन पार्क के पास कटरा प्रयागराज। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, रजिस्ट्रेशन जो फीस है मात्र 20 रुपए। अब आप बोलेंगे कि सर रजिस्ट्रेशन किस बात का, तो बेटा यहां पर लिमिटेड सीट्स है। रजिस्ट्रेशन से पहले क्या है कि सेमिनार की शुरुआत से पहले एक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, वो टेस्ट होगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है।
तो जो भी मेरे प्यारे लाडले भाई बहन प्रयागराज के लिए तैयार हैं, नौकरी करना चाहते हैं, सेमिनार में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो बेटा सामने स्कैन क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कीजिएगा और अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाइएगा। साथ ही मैं उन प्यारे भाई और बहनों को भी बता देना चाहता हूं कि न्यू ऑफलाइन बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने जयपुर सेंटर से, जहां लाडो वो एसएससी का पूरा फाउंडेशन बैच हमने 22 अप्रैल से स्टार्ट करना है, सीजीएल सीएचएसएल और सीपीओ के लिए सुबह 7 बजे से। न्यू ऑफलाइन बैच है बेटा हिंडोन हाइट्स गोपालपुरा बाईपास महेश नगर पुलिस स्टेशन के पास। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई दिनों से खबर आ रही थी कि सर बैंक का और प्योर क्लरिकल का जो फाउंडेशन बैच है वो भी हमें स्टार्ट करवाना है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ का फाउंडेशन बैच तो 22 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, और इंदौर सेंटर से बता रहा हूं मैं 22 अप्रैल से दिन के 2 बजे, है ना, ये इंदौर सेंटर की बात बता रहा हूं, ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच और बैंक प्योर क्लरिकल का भी 22 अप्रैल में दिन में 2 बजे से है। एड्रेस है आपके पास हर्षदीप आर्केड भंवर कुआं इंदौर मध्य प्रदेश। तो लाडलो प्रयागराज हो गया, जयपुर सेंटर हो गया और आपका इंदौर सेंटर हो गया, वहां के जितने भी प्यारे भाई बहन है सब तक ये खबर पहुंचा दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा कि भैया बढ़िया तरीके से ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, धड़ाकेदार तरीके से तैयारी कीजिए और इस गर्मी में गर्मी निकाल दे पेपर की, गजब की ताकत है बेटा, गरिमा IAF। ओके बेटा, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या मैं आपको मेरी मन की बात समझा पाया भाई? हृदय की बात आप लोगों के पास आ गई होगी और अगला सवाल आप लोग बर्बाद करने के लिए उतारू होंगे, इस सवाल को तीतरी बना दे बेटा, जल्दी से बताएंगे, देखो थोड़ा सा इल्यूजन सा होगा। हाँ, टेक्निकल ब्रदर्स थैंक यू बेटा, थैंक यू, है ना, गुड इवनिंग गरिमा। फीस वीस सब बता देंगे बेटा, पहले आप सेमिनार में जाएं तो सही, टीचर से मिले तो सही, मुखातिब तो हों, जो दिक्कतें उनसे बात करें, शेयर करें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हैं बेटा, परिवार है उत्कर्ष परिवार अपना, ऐसा नहीं कि कोचिंग, वहां जाएंगे आपकी दिक्कत दूर करेंगे, टेस्ट दीजिए, बात करिए कितनी की क्या फीस है, फिर अब मजा आएगा, ऐसा नहीं है। देखो यहां पर गजब की ताकत है बेटा, देखो बायां भाग बायां ही रहेगा भैया, दुनिया में कुछ भी हो जाए तो ये वाला हिस्सा तो आएगा नहीं, ये वाला हिस्सा आएगा नहीं, अब दोनों में से कौन सा हिस्सा आ सकता है ये देखो, तो जब दोनों में से कौन सा हिस्सा आएगा तो आपको पता है कि ये दोनों साथ है, ब्लैक होल और ये डिजाइन, ये दोनों साथ साथ आएंगे, लेकिन यहां तो अलग अलग है, तो दिस इज द नॉट इज द राइट ऑप्शन, बिटवीन टुगेदर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, लगा दो बछिड़ बना दो मौसम। जल्दी करेंगे बेटा, तूफानी कुमार पंडित आपके बिहार से भी हम जल्दी करेंगे बाबू, जल्दी बताओ बेटा फटाफट। अगला फेंक दो, तीतरी कर दो, तीतरी कर दो बेटा, बताने की कृपा करेंगे फटाफट, चील गाड़ी कर दो सवाल को, चलिए देखो ऑप्शन ए ए ए, तो चलिए भैया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यहां जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से इस सवाल को करेंगे, ये यू है, तो आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज ले जाएंगे और इसको एज इट इज ले जाएंगे, तो इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, तो तीर तो ये तो गलत हो गया और ये तीर ये गलत हो गया, तो मतलब ए और सी में से कोई एक आंसर आपका आने वाला है। सीकर से फेवरेट गुरुजी देव को पाई लागू, खुश रहो राम जी मारा था को चूड़ो मर रहा कथा सोना को सेवरो बंदर बिरा, नौकरी लाग जा फटाफट। अब उसके बाद बेटा देखो ध्यान दीजिएगा, ये पास की चीज पास है तो ये यू का यू हो जाएगा, एज इट इज ऐसा कैसा जाएगा, कोई लोड नहीं लेना, और ये एज इट इज आपके पास यू का यू हो जाएगा। अब पास का पास ध्यान दे, तो ये लाइन यूं आएगी यहां वाली और नीचे ऐसे सीधी आएगी, बस ये ध्यान रखना, तो यूं आई नीचे सीधी आई, तो ये ऊपर यूं आई, तो बाबू सी भी गया
और भाई रे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिटवीन टुगेदर, ऑप्शन ए किस किस का सही है, फटाफट हाथ ऊंचा करो रे बाबू, ऑप्शन ए कैसन है, ऑप्शन ऑप्शन गजब बेटा गजब गजब। अगर सवाल समझ में आते हैं तो भैया सेशन को थोड़ा लाइक कर दिए, वो लाइक का बटन भी दबा दिया करें ना, है ना, ठीक है। और थोड़ा सा यार शेयर वेयर कर दिया करो, तुम्हारी व्हाट्सअप व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पर तुम लोग अपने अपने स्टोरियाँ लगाते हो, कई बार टीचर्स की भी लगा दिया करो, आप ही का परिवार है सारा सब कुछ है ना, मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचा दिया करो। मैं अकेला मेहनत करूँ वो अलग बात है, आप लोग सारे बहन भाई मिलकर मेहनत करें वो एक अलग बात है। तो आप करोगे कि नहीं करोगे यार, करना चाहिए ना यार। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजब की ताकत है, गजब की ताकत है। इस सवाल को तो बर्बाद कर दिया इस सवाल ने, देखते ही खत्म कर दो, देखते ही खत्म कर दो बाबू। शाबाश, इतने सारे बच्चों ने किया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। ठोक दिया गुलशन बानो ने, बहुत बढ़िया बेटा, ठोक दिया ठोक दिया, आ जाओ चलो जल्दी बताओ। अरे भैया कोई बात नहीं, जिसको जैसे जैसे आप शेयर कर सको। देखो बेटा यहां कुछ नहीं करना, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, अब एडजेटिव जो होगा तो देखो ये एडजेटिव है, सी ऑप्शन किस चीज का सही है बेटा। अरे वाह बेटा वाह, गजब की ताकत है सर, आपकी हंसी कमाल की, बिल्कुल आपके क्लास की तरह। अरे भैया थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, इसको भी फड़फड़ा दो। देखो बेटा बहुत अच्छा सवाल है, चौपड़दारा पतंग जैसी हो रही है ये तो कतई, टन टन डिंग 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 डिंग। तो बाबू ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि बाया भाग बाया और दाया भाग दाया रहना चाहिए, एज इट इज ये भी होगा नहीं क्योंकि ऊपर की तरफ रहेगा, ये ला डी ऑप्शन बोलो ना। हाँ क्या डी ऑप्शन सही है, क्या इस सवाल का डी ऑप्शन सही है, मुझे बताएंगे बेटा एक बार, बोलो बेटा जल्दी बताओ। बताएंगे कि नहीं बताएंगे, शाबाश बहुत ही बढ़िया। डी 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 नेक्स्ट, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस लाइनों का फर्क है, लाइनें आडी टेढ़ी खिंच गई तो बेटा आंसर गलत हो सकता है। मोंटू बहुत बढ़िया, ठीक है लक्ष्मी शाबाश बेटा, राजस्थानी डांस बहुत अच्छे, तूफानी संजना जगपाल सारे के सारे। बेटा यहां पर केवल लाइनों का फर्क है, मैं फिर बता रहा हूं, एक लाइन सिर्फ एक लाइन इंसान का आंसर गलत गलत कर सकती है बेटा। जल्दी से अपने आंसर को दीजिए, मैं साइड में हूं बेटा, फटाफट समय इतना ही दिया जाएगा, 15 सेकंड में आंसर को छापना है, 15 सेकंड तो ज्यादा बोल दिया मैंने। उर्मिला शाबाश, चौधरी सुनील जल्दी बताओ, इतना तो समय कैसे लगेगा यार, इतना समय तो लगना ही नहीं चाहिए। देखो भाई आराम से, देखो क्या करोगे, जैसे ये डब्बा बना, ये बना,
तो पास की चीज पास, तो अब ये गोला आया, तो गोला अब ये काला वाला हिस्सा ऊपर आएगा, गुणा एज इट इज आ जाएगा, और ये डब्बा ऐसे, लेकिन ये लाइन यू की जगह यू होगी बस। अब देखो ये गोला ऊपर आना चाहिए था, ये गलत हो गया, काला वाला हिस्सा ऊपर है लेकिन ये डब्बा इधर आना चाहिए था, ये गलत है, काला वाला हिस्सा ऊपर है गुणा है, ये लाइन है, सी ऑप्शन बताओ कहां गलत है, बताओ ऑप्शन सी। अब आपका कॉन्फिडेंस बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बेटा बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए पहले, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ओहो, मार डालोगे बेटा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 फटफड़ा दो, आंखों से एक सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए बेटा, एक सेकंड के अंदर आंसर। ये लाइन यू आएगी, ये यू आएगी, तीतरी हो जाएगा, नीचे यह आ जाएगा, ये यू आ जाएगा, यू यू यू, तो यू तो नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, यू नहीं, हैं तो बाबू कौन सा होगा, लपका दो, चलिए आ जाओ गजब। चलिए बेटा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जगपाल सर, गलत हो गया, कोई बात नहीं बच्चा, गिरते हैं से सवारी मैदान जंग में, वो तुलप क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हो। बेटा कोशिश करोगे तो गलत भी होगा, सही भी होगा, धीरे धीरे सब सही होगा। भोला कंगाली, गजब की तारीख है बेटा, गजब की ताकत है तुम्हें, गजब की ताकत है। देखो कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, इसको आपने यू बनाया एज इट इज, ये तीर का निशान एज इट इज कर दिया। अब ये तीन डंडी ऐसे आ जाएगा और ये आयताकार आकृति ऐसे, ये काला गोला यूं आ गया और ये यूं आएगा, ये जो यूं है ये बस यूं आएगा। तो देखो बेटा ये आ गया, ये आयताकार आ गया, काला गोला आ गया, यूं आ गया। क्या आपको ऑप्शन ए सही नजर आ रहा है, ऑप्शन ए सही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए बर्बाद कर दो इसको। चलिए बेटा शाबाश, अरे वाह भाई, मॉन्टू मॉन्टू, ओ वाह, व्हाट अ डिलीशियस क्वेश्चन, कितना प्यारा सवाल है, जल्दी बताएंगे। ये चक्री नहीं है किसी चक्री जैसे, बचपन में चक्री खेलते थे वैसी चक्री है ये। अब देखो प्लस का निशान नीचे आएगा एजेटिच, यू इधर की तरफ आएगा, देखो है ना, ये जैसे अपन ने यू बनाया तो ये प्लस है, तो ये नीचे आएगा ऐसे यहां पर इस जगह, तो ये तो ए ऑप्शन तो अपन ने काट दिया, प्लस गुणा बनेगा नहीं, ये कट गया। तो देखो ए और सी तो कट गया, डी में और बी में आप चक्री देखो। अब जब डी और बी की बात होती है यहां पे तो क्या होगा मेरे लाड़ दू, देखना ये यूं आया तो ये आपके पास ये इस कोने पर यूं आ जाएगा, ये काला हिस्सा हो जाएगा, ये सफेद हो जाएगा, तो काला हिस्सा तो देखो यूं होगा, ये वाला ये सफेद हो गया और ये यूं आ जाएगा यूं ऐसे। तो देखो कोने पर काला हिस्सा, यहां पर ये ब्लैक नहीं है, ये लाइन है, यहां पर ब्लैक है, तो देखो डी ऑप्शन। एक छोटी सी लाइन आपको तीतरी कर सकती है बेटा, एक को तो काट ही दिया ना, एक क्यों आएगा बच्चा, अरे नालायक, एक क्यों आएगा बेटा, डी आएगा ना बाबू, कितने ना भाई, मतलब कितनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे साथ। ये देखो भाई ये है, मान लिया बेटा प्लस का साइन ये है, तो प्लस का साइन मिरर वाटर इमेज में इधर किसको होने पर आएगा भाई, हैं कहां से आते हैं ऐसे लोग। अरे कमलेश कुमार मीणा बेटा गुड इवनिंग बोल, गुड नाइट मत बोल, अरे देवता। अगले सवाल को कर दो बेटा, जल्दी से उड़ा दो इसको, फड़फड़ा दो। जल्दी से देखो, यहां गजब का सवाल है। पहली बात तो ये गोला बनेगा है ना, अब ये इधर से नीचा है तो इधर से ऊंचा होगा और ये नीचा होगा, यूं
ये तभी सेट होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। और ये जो लाइन है ये सीधी सीधी यहां आएगी ऐसे ऐसे। अब आराम से बताओ यहां पर आंसर कौन सा नजर आ रहा है आपको। जल्दी से बताओ। राजेश यदुवंशी अयोध्या, वाह गजब की ताकत है लाडले आप, गजब की ताकत है। कमलेश कुमार मीणा, तो मेरे लाडलो ए बाबू बाबू रे बाबू रे बाबू, ऑप्शन बी बोलो। हाँ यार ए क्यों आएगा बेटा, ए क्यों आएगा, ये देखो यूं है, इधर से ऊंचा जाएगा, जब ये यूं नीचे आएगा तो ये वाला हिस्सा टक ये नीचे जाएगा और वो ऊपर आएगा ना बेटा, समझो समझो, तो ऑप्शन बी आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, रोम इटली की राजधानी पीएम जॉर्जिया मेलोनी, भाई यहां उस रोम इटली की राजधानी का कहां तात्पर्य आ रहा है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। ओहो बड़ी चक्री के साथ आए हम यहां, भाई 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 खतरनाक चक्री है भाई, जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर रहने वाला है इसका। यहां गजब का सवाल है बेटा, गजब का सवाल है, आप इस सवाल को देखेंगे बड़ा मजा आएगा बेटा। जैसे ये सवाल है, पास की चीज पास, दूर की चीज दूर, बताओ ये यूं हो जाएगा गोला यूं, ये देखो यूं हो जाएगा ये गोला, ऐसे ये लाइन यूं आ जाएगी, ये यूं है तो ये यूं आ जाएगा, डिंग 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 ऐसे, इसके बगल में पूरा काला आ जाएगा, ये लो ये लो ये काला, और ये लाइन यूं आ जाएगी ऐसे। अब बताओ कहां है ऐसा, कहां ऐसा, कहां बन रहा है, कहां बन रहा है बे, ऑप्शन सी बोलो। हां ऑप्शन सी कतई। सिस बताया ना कौन था, कौन था, क्या था, नहीं था, यही सवाल था बेटा, ओगी एंड कॉकरोचेज। चलिए बेटा, अरे यार सामने से हट गया यार, तुम लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते यार, ये कोई मतलब वाली बात थोड़ी है। इतना हैंडसम डार्क चॉकलेटी बॉय तुम्हें पढ़ा रहा, तुम लोग देखने भी नहीं देते, सामने से हटा देते हो यार, ये क्या मतलब है, बदतमीजी है यार ये तो, कतई दिल तोड़ देते हो तुम लोग। नेक्स्ट। ओहो इन सवालों का आंसर बताएं। अब चलिए साइड में से हटता हटता ही बटन दबाता जाता हूं मैं, तो एक काम करता हूं, क्यों चलिए आराम से, कोई लोड नहीं कोई लोड नहीं, देखो गोला बनाओगे बेटा एजेट इज, बोलो ना। हाँ अब ये एजेट इज यूं आ जाएगा, ये लाइन यूं आ जाएगी, ये लाइन यूं आ जाएगी, ये लाइन यूं आ जाएगी, ऐसा आएगा ये, पास की चीज पास दूर की चीज दूर, और ये यूं है तो ये यूं आ जाएगा ऐसे। अब बताओ ये डिजाइन कहां दिख रही है, ताकि इसको ऐसे कर दे, तो बेटा देखो ये वाली डिजाइन तो है नहीं, ये तो गलत हो गया, ये लाइन ये देखो डी ऑप्शन, यहां पर भी बिल्कुल ऑप्शन डी ही है। अब आपकी आंखें बिल्कुल कतई जहर जैसी चमक रही है बेटा, क्यों, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि यहां से आंसर किस तरीके से देने होते हैं, आने होते हैं। ठीक है लाड़ दो, मैं फिर बता देता हूं, ये लो जल्दी से बताओ। आपके आशीर्वाद से सर आज मेरे सारे सवाल सही है, बेरे बिल्कुल बेटा, आपकी मेहनत है, सबकी मेहनत है बच्चा, ये भी एक अच्छा सवाल है, इसको भी कोशिश करेंगे सभी। जल प्रतिबिंब, ये भी जल प्रतिबिंब है, वाटर इमेज है। चलो बेटा प्रैक्टिस को लगा दो धारदार लगातार।
सर जी एक बार हंसो ना प्लीज, ये यार ये क्या बात हुई ये कोई बात नहीं होती यार, एक बार हंसो सी 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 देखते हैं देखते हैं देखते हैं। देखो बेटा गोला आया, गोला आया, अब इस गोले पर ये ट्रायंगल तो इधर आएगा और ये गोल इधर आ जाएगा, ये चक्री ऐसे, अब ये वाला काला गोला यहां आएगा। तो एक बार अपन इसको दोनों को संभाल लेते हैं, ये काला गोला ऊपर ये गलत हो गया, ट्रायंगल नीचे की तरफ आएगा ये गलत हो गया, ट्रायंगल नीचे की तरफ आएगा काला गोला ये सही है, ट्रायंगल इधर बीच में तो नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन, ऑप्शन सी आई सी यू सी दैट इज द ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन बिटवीन टुगेदर। गजब बेटा गजब गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शनि, ये शनि ग्रह है भाई, इस ग्रह को शनि बना दो, शनि ग्रह है, ये लो ये लाइन को यूं कर दो, कहां दिक्कत आ रही है बताओ, ये लंबा वाला इधर आ जाएगा, ये मोटा वाला इधर आ जाएगा, बोलो हां, और ये काला गोला इधर आ जाएगा नीचे, देखो देखे बी ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, सही है नहीं है, देखो डी तो होगा नहीं क्योंकि बीच में लाइन है नहीं, ए है क्या, पक्का ए है बेटा, ए क्यों होगा एक बार बताओ बेटा, ए क्यों होगा, जैसे मान लो ये लाइन है ऐसे, तो अगर इसका मैं जल प्रतिबिंब बनाऊंगा तो बेटा ये यू बनेगा, तो ये लाइन है तो लाइन वो ऐसे आएगी, तो ये लाइन तो एजट ही जाएगी, तो ये तो गलत हो गया ना बेटा, सिंपल बात है ना बेटा, सिंपल बात है ना बाबू, ठीक है बोलो हाँ। अब बी में और सी में देखो, आप तो बी में और सी में देखो, एजट ही है, अब वो उधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, उधर की तरफ, तो नीचे की तरफ तो ये काला गोला होगा ना, ये वाला देखो ये काला गोला होगा ना, तो बी होगा ना बेटा, बी इज द राइट ऑप्शन, बी पे लगाओ, मतलब अभी भी तुम्हें दिक्कत आ रही है, क्या बात है, अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 37 फड़फड़ा दो बेटा, चलिए। अरे बाबू ए कैसे होगा, ए तो नॉर्मल लाइन से गलत हो गया ना बेटा, बी ही होगा, ऐसे मत करो प्लीज, जल्दी बताएं, वाह भाई वाह। अब देखो यहां पर भी तसल्ली के लिए आप लोग एक बात बताऊं, ऑप्शन से काटा पीटी कर सकते हो, जैसे ये एरो है तो बेटा एरो को तो अपन ने एडजेक्टिव लिख दिया, देखो उड़ता हुआ तीर तो उधर ले गए, अब जब उड़ता हुआ तीर इधर आया तो देखो यहां पर ये काला गोला ऐसे, ये चक्री मतलब ये वर्ग, तो वर्गाकार आकृति हमने ऐसे कर लिया, अब ये वर्ग आएगा तो ये यूं आएगा बेटा, यूं या यूं आएगा, और ये जीरो यहां गोला यहां, तो ऑप्शन ए मुझे अभी सटीक लग रहा है, ऑप्शन बी गलत लग रहा है, और ऑप्शन सी भी गलत लग रहा है, और ऑप्शन डी टेंगडंग देख ये गलत लग रहा है, तो ऑप्शन ए होगा ना यार, अरे यार लाडनो, मान लो ये यहां पर ऐसे है और ये यहां पर कलर है इस पे ऐसे, अब अगर मैं जब इसका जल प्रतिबिंब बनाऊंगा तो लाइन तो यूं आएगी ना, और बाया भाग बाया, ये देखो ये कलर नीचे आएगा तभी तो नीचे यूं दिखेगा ही, नीचे यूं दिखेगा, तो ये वाला हिस्सा कहां है, ये वाला हिस्सा कहां है, केवल ए में ही तो है, बाकी में तो देखो ये कलर इधर है, ये ऊपर है, ये नीचे है, एक मतलब चारों पांचों डायग्राम में से केवल एक डायग्राम बर्बाद कर देता है ना। वेलकम लक्ष्मी, वेलकम बेटा। नेक्स्ट, ओहो ये तो आदमी हंस रहे हैं यार, इनको कहां से लपेटे में ले लेंगे, जल्दी बताइए क्या हो रहा है, खाना खाएंगे बेटा लाडो, जब आपकी नौकरी लगेगी, जब आप हमें जीवने के लिए बुलाओगे हम खाना भी खाएंगे बेटा, टेंशन ना ले।
देखो गोला तो ये है और गोला ये है, अब इस गोले में वो ऊपर की तरफ तो नीचे की तरफ आएगा, ये वाला इलाका, तो ये सही है, बी गलत है, सी गलत है, डी सही है। तो डी में और ए में कुछ ना कुछ होगा, अभी करेंगे पास की चीज पास। ये गोला यहां आएगा लेकिन नीचे की तरफ कलर होगा, ये गोला भी यहां आएगा लेकिन इसके ये नीचे, तो यहां पर भी नीचे की तरफ कलर होगा। तो दोनों ऊपर वाले गोले में नीचे की तरफ, तो ए तो ऑप्शन कट ही गया क्योंकि नीचे नहीं आएगा ये, तो डी ऑप्शन आपका आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है क्या? ऑप्शन डी। देखो देखे भाई, ये नीचे आ जाएगा और इसमें ये ऊपर आएगा, इसमें ये ऊपर आएगा, एक सेकंड, इसमें ये ऊपर आएगा, काला कहाँ गया, ये रहा, इसमें ऊपर आएगा, एक में काला नीचे, एक में काला ऊपर, तो एक में काला नीचे, एक में काला ऊपर, देखो डी ऑप्शन। तसल्ली से देखोगे तभी तो आंसर आएगा ना बच्चा, आया या नहीं आया ये बताओ। क्लियर है तो लाड दो। मैं आप लोगों को फिर बता देना चाहता हूं अभी, क्योंकि जरूरी है उन बच्चों तक यह बात पहुंच जाना, है ना, जरूरी है उन बच्चों तक यह बात पहुंचना जो कि तैयारी करना चाहते हैं। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, यूपी यानी आपके अपने उत्तर प्रदेश में एसएससी और राज्य स्तर की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है, होती है, उनके लिए एक भव्य सेमिनार प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है 28 अप्रैल 2024 को। आपको मिलने का मौका मिलेगा अपने प्रिय टीचर्स शिक्षक श्री कुमार गौरव जी सर से और अक्षय सर से, है ना। और साथ में मैं बता देता हूं दोस्तों, इस QR कोड को स्कैन करिएगा आप रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि सेमिनार से पहले आपका एक टेस्ट आयोजित किया जाएगा लड़कों, है ना। फ्री रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, फीस मात्र ₹20। और यहां पर जो है LK टावर मनमोहन पार्क के पास कटरा प्रयागराज में आपको आना है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, न्यू ऑफलाइन बैच स्टार्ट करें हम जयपुर सेंटर से, जहां पर SSC का फाउंडेशन बैच है, CGL, CHSL और CPSI का, 22 अप्रैल 2024 सुबह 7 बजे से। और साथ में इंदौर सेंटर से भी हम अपना नया ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। वही बैंक PO क्लरिकल और SSC का फाउंडेशन बैच, वही 22 अप्रैल से दोपहर 2 बजे से। तो अपना प्यार प्रेम बनाए रखिएगा अपने इस भाई पर। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, राम राम, मान जय रवि, थैंक यू।